नवरात्रि। नवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। नवरात्रि शब्द एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है नौ रातें। इन नौ रातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 10वें दिन को विजयदशमी या दशहरा भी कहा जाता है। नवरात्रि के 9 रातों में 3 देवियों महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली के 9 स्वरूपों की पूजा होती है, जिनके नाम और स्थान इस प्रकार हैं: नंदा देवी, योगमाया जो कि विंध्यवासिनी शक्तिपीठ है, रक्त दंतिका सथुर, शाकंभरी सहारनपुर शक्तिपीठ, दुर्गा काशी, भीमा पिंजौर, भ्रामरी भ्रमरांबा शक्तिपीठ नवदुर्गा कहते हैं। नवरात्रि एक प्रमुख त्यौहार है जिसे पूरे भारत में महान उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसमें 9 देवियों की पूजा की जाती है। पहली देवी है शैलपुत्री अर्थात पहाड़ों की पुत्री होता है। ब्रह्मचारिणी इसका अर्थ है ब्रह्मचारिणी। चंद्रघंटा इसका अर्थ है चांद की तरह चमकने वाली। कूष्मांडा इसका अर्थ है पूरा जगत उनके पैरों में है। स्कंद माता इसका अर्थ कार्तिक स्वामी की माता। कालरात्रि इसका अर्थ काल का नाश करने वाली। स्कंद माता इसका अर्थ कार्तिक स्वामी की माता। कात्यायनी इसका अर्थ कात्यायन आश्रम में जन्मी। कालरात्रि इसका अर्थ काल का नाश करने वाली। महागौरी इसका अर्थ सफेद रंग वाली माँ। सिद्धिदात्री इसका अर्थ सर्व सिद्धि देने वाली। नवरात्रि में देवी की शक्तिपीठ और सिद्ध पीठों पर भारी मेले लगते हैं। माता के सभी शक्तिपीठों का महत्व तो अलग अलग है, लेकिन माता का स्वरूप एक ही है। कहीं पर जम्मू कटरा के पास वैष्णो देवी बन जाती हैं, तो कहीं पर चामुंडा के रूप में पूजी जाती हैं। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में नैना देवी के नाम से माता के मेले लगते हैं, तो कहीं सहारनपुर में शाकंभरी देवी के नाम से माता का भारी मेला लगता है। लोक मान्यताओं के अनुसार लोगों का मानना है कि नवरात्रि के दिन व्रत करने से माता रानी प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि के पहले दिन देवी दुर्गा की पूजा के लिए समर्पित किए गए हैं। यह पूजा उसकी ऊर्जा और शक्ति की जाती है। प्रत्येक दिन दुर्गा के लिए एक अलग रूप को समर्पित है। पहले दिन माता शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी और तीसरे दिन चंद्रघंटा स्वरूप की आराधना की जाती है। नवरात्रि के 4वें, 5वें और 6वें दिन लक्ष्मी जो कि समृद्धि और शांति की देवी है की पूजा के लिए समर्पित है। शायद व्यक्ति बुरी प्रवृत्तियों और धन पर विजय प्राप्त कर लेता है, पर वह अभी सच्चे ज्ञान से वंचित है। ज्ञान एक मानवीय जीवन जीने के लिए आवश्यक है, इसलिए नवरात्रि के 5वें दिन देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। सभी पुस्तकों और अन्य साहित्य सामग्रियों को स्थान पर इकट्ठा किया जाता है और एक दिया देवी के आह्वान और आशीर्वाद लेने के लिए देवता के सामने जलाया जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन कला और ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। प्रार्थनाएं आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश के उद्देश्य की जाती हैं। 8वें दिन एक यज्ञ किया जाता है। यह एक बलिदान है जो दुर्गा देवी को उनके सम्मान और उनको विदा करता है। नवरात्रि का 9वां दिन यह महानवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन कन्या पूजन होता है जिसमें 9 कन्याओं की पूजा होती है जो अभी तक यौवन अवस्था तक नहीं पहुंची हैं। इन 9 कन्याओं को देवी दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक माना जाता है। कन्याओं का सम्मान तथा स्वागत करने के लिए उनके पैर धोए जाते हैं और पूजा के अंत में कन्याओं को उपहार के रूप में नए कपड़े प्रदान किए जाते हैं।
दशहरा हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को इसका आयोजन होता है। भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था तथा देवी दुर्गा ने 9 रात्रि एवं 10 दिन के युद्ध के उपरांत महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। इसे असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है, इसलिए इस दशमी को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन लोग शस्त्र पूजा करते हैं और नया कार्य प्रारंभ करते हैं। ऐसा विश्वास है कि इस दिन जो कार्य किया जाता है उसमें विजय मिलती है। प्राचीन काल में राजा लोग इस दिन विजय की प्रार्थना कर रण यात्रा के लिए प्रस्थान करते थे। इस दिन जगह जगह मेले लगते हैं, रामलीला का आयोजन होता है, रावण का विशाल पुतला बनाकर उसे जलाया जाता है। दशहरा अथवा विजयदशमी भगवान राम की विजय के रूप में मनाया जाता है। यह एक हर्ष और उल्लास तथा विजय का प्रतीक पर्व है। भारतीय संस्कृति वीरता की पूजक है और शौर्य की उपासक है। दिन नवरात्रि मनाने के बाद 10वें दिन विजयादशमी का पर्व मनाने के बाद सभी भक्त अपनी माता रानी को हंसी खुशी नाचते गाते विदाई देते हैं और वो उनकी विदाई यात्रा को एक भव्य रथ यात्रा में बदलकर नाचते गाते अबीर गुलाल उड़ाते और भजन गाते हुए पूरा करते हैं। अंत में वो शहर की किसी खास नदी के पास आते हैं और पूरे भक्ति भाव के साथ उनकी अंतिम आरती करते हैं। आरती करने के बाद बहुत ही भाव विभल होकर नम आँखों से देवी माँ को विदा करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। साथ ही ये भी कहते हैं कि देवी माँ, इस प्रकार जिस तरह से आपने हम सबका ध्यान रखा, अगली बार आना, जल्दी आना और हमारा सबका ध्यान रखना। माता रानी सब पे अपनी कृपा बनाए रखें, सब पे अपना साथ बनाए रखें। धन्यवाद। जय माता की, जय दुर्गा माँ।